हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है बहुत ही आसान सा ऑरेंज आइसक्रीम। अब ऑरेंज आइसक्रीम के लिए जो भी अज्जा हैं उनको बस आप ब्लेंडर में डालें या आप बीटर में डालें के साथ उसको बीट कर दीजिए एंड जस्ट मिक्स एवरीथिंग टुगेदर, ताकि आइसक्रीम हमें फ्रीज़र में रख सकूँ। सो उसके लिए मेरे पास यहाँ है क्रीम। अब देखें, आप व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे समहाओ व्हिपिंग क्रीम आइसक्रीम में उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, केक के ऊपर सही है। मुझे ये वाली जो छोटे टेट्रापैक्स में क्रीम आती है वो वाली क्रीम अच्छी लगती है आइसक्रीम में। उसका एक बहुत डिफरेंट सा डेयरी वाला टेस्ट होता है। वो वाली जो क्रीम होती है वो नॉन डेयरी है। इसमें हम डालेंगे चीनी, ठीक है, पिसी हुई चीनी यूज़ करिएगा, प्लीज़ दानेदार नहीं। ओके, सो 2 1/4 कप्स फ्रेश ऑरेंज जूस लीजिएगा, अभी सीजन में है। 1 1/2 टेबल स्पून लेमन जूस लीजिएगा। 3/4 कप यानी 3/4 कप आप पिसी हुई चीनी मैंने डाली, 2 कप इसमें क्रीम मैंने डाला और 1 चमचा भर के हम जेली के क्रिस्टल्स डालेंगे ताकि जल्दी से वो सेट भी हो जाए और उसके साथ साथ एवरीथिंग गोज इन टुगेदर। ये लेमन जूस गया, ये क्रिस्टल्स गए, जेली का पैकेट जो होता है ना जिससे हम जेली बनाते हैं ट्राइफल वगैरह के लिए, उसके क्रिस्टल्स मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है। ऑरेंज जूस डालेंगे, ज़रा इसको मैं मिक्स कर लूँ। कोई रंग डालना चाहें, कोई एसेंस डालना चाहें, ऑरेंज एसेंस मार्केट में आजकल नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ना जेली मिल रही है ना एसेंस मिल रहा है। सो इसमें अब हम मेजर करके ऑरेंज जूस डालेंगे। 1 1/2 टेबल स्पून होना चाहिए, ओके, छान लीजिएगा ताकि कोई पिप्स उसमें ना आए। जेली उसको सेट होने में मदद देगी, और अगर आप व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसको फिर आप ठंडा करके व्हिप करिएगा, फिर इसमें फोल्ड कर दीजिएगा। देखिए, हमने इसमें कोई कलर नहीं डाला है, बहुत ही लाइट इसका कलर हुआ है बिकॉज ऑरेंज जूस है और इसमें हमने जो जेली के क्रिस्टल्स डाले हैं। कहीं से अगर आपको ऑरेंज जेली मिल जाए वो डाल दीजिएगा, अगर आप कोई रंग डालना चाहें तो बहुत ही एक आध ड्रॉप आप ऑरेंज का कलर का डालिएगा, वरना ज़्यादा नहीं, कोई एकदम इस तरह का ऑरेंज का कलर नहीं करना है हमने। कीप इट लाइट एंड कीप इट सटल, ठीक है, बहुत डार्क अच्छा नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा कलर और ये प्रिजर्वेटिव्स और ये सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं होती हैं सेहत के लिए। बस इसको मैं एक प्लास्टिक के डब्बे में रख दूँगी। आइसक्रीम बनाते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है याद रखना कि आपने इसको एक एयर टाइट डब्बे में बंद करना है। अगर एयर टाइट डब्बा नहीं होगा और अगर कहीं से भी खुला होगा या हवा जा रही है या फ्रीज़र में, उसमें आइस क्रिस्टल जमने का फिर इम्कान हो जाता है। सो मेक श्योर कि बिल्कुल एयर टाइट इसका लिड हो, ठीक है, और फिर आप उसको फ्रीज कर दीजिए ओवरनाइट और नेक्स्ट डे आप इसको सर्व करिए। क्रीम ऊपर विप करके डाल दीजिए स्वर्ल करके, या फिर आप ऑरेंज की छोटे छोटे सेगमेंट्स कर दिए वो उसके साथ सर्व कर दीजिए। अगर चॉकलेट है आपको बहुत पसंद है तो चॉकलेट का सॉस ड्रिजल कर दीजिए। बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, क्रंच इसमें शामिल कर सकते हैं, अपनी कोई फेवरेट चॉकलेट ऑरेंज चॉकलेट को चॉप करके डाल सकते हैं। सो देयर आर बहुत बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो आपके दिमाग में हो, आपको कुछ करना हो, प्लेन आपको सर्व करना हो प्लेन भी कर सकते हैं। फिर इसी आइसक्रीम की रेसिपी के साथ आइसक्रीम केक भी बना सकते हैं। मसलन कि आप एक टिन लीजिए, उसमें आप प्लेन स्पंज केक लेयर कर दीजिए नीचे, ठीक है, और उसके ऊपर फिर आप ये आइसक्रीम जमा के रख दीजिए और जम जाएगा साथ साथ। फिर उसके बाद उसको निकालिए, सर्विंग से पहले क्रीम के साथ सजाइए, ऑरेंजेस के साथ सजाइए, उसके ऊपर चॉकलेट चिप्स डालिए, कोको पाउडर छिड़किए, कुछ भी कर सकते हैं। सो मैनी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। वो आइसक्रीम केक्स आजकल मिल रहे हैं जो आप लोफ टिन में सेट कर सकते हैं ताकि आप स्लाइसिस में इस तरह काट सकें। सो
बहुत सारे आइडियाज़, ठीक है?